हेलो एवरीवन, और आज हम देखेंगे आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल कैसे हम सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि आर्टिकल एक बहुत बेहतरीन टॉपिक है जिससे बहुत सारे एग्जाम्स में, वनडे एग्जाम्स हो या स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, प्रत्येक वनडे एग्जाम्स में, स्टेट लेवल एग्जाम्स में इसे क्वेश्चन देता है। तो आइए समझते हैं आज जो आज के हमारे टॉपिक को है आर्टिकल। समझते हैं आर्टिकल क्या होता है। चूंकि ये बेसिक ग्रामर है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर में सबसे पहले समझेंगे हम लोग आज की जो टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। अगर इसकी मीनिंग देखी जाए तो इसकी मीनिंग होती है, अगर आर्टिकल का मतलब होता है बस ये सामान, बट ग्रामर में इसका बस सामान से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब होता है आर्टिकल का प्रयोग जो है हम एडजेक्टिव के रूप में करते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव जो है किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, ठीक उसी तरह आर्टिकल भी किसी नाउन की विशेषता ही बताएगा। और आर्टिकल जो होता है वो दो ही होता है, एक तो सबसे पहले डेफिनिट आर्टिकल होता है, डेफिनिट आर्टिकल। अब डेफिनिट का अगर सेंस देखा जाए तो डेफिनिट का अगर दूसरा वर्ड हम देख लें तो होता है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है निश्चित, और डेफिनिट आर्टिकल या सर्टेन आर्टिकल जो होगा वो होता है द। हम द को डेफिनिट आर्टिकल मानते हैं। बड़ा आश्चर्य होगा द का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, एक ऐसा वर्ड जिसका अपना हिंदी मीनिंग ये होता ही नहीं है, बट ये बहुत बड़ा मीनिंग रखता है। यह किसी नाउन को, यानी यह किसी नाउन को निश्चित कर देता है, यह किसी नाउन को बिल्कुल ही निश्चित कर देता है। जबकि दूसरा जो आर्टिकल है उसका नाम है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब हो जाता है सर अनिश्चित, यानी यह किसी नाउन को अनिश्चित कर देता है, यानी यह किसी नाउन के पहले आएगा। इतना तो दिमाग में रखना है कि आर्टिकल्स कभी भी यूज होगा वो किसी नाउन के पहले ही होगा, बिफोर नाउन। आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन, सो कीप इन योर माइंड, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए कि आर्टिकल्स जो भी होगा वह किसी नाउन के पहले इसका प्रयोग किया जाता है। और आर्टिकल्स जो होता है द होगा, जिसको डेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं, और दूसरे इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं ए एन। ए एन का अपना अर्थ होता है और इसका मतलब होता है एक या कोई। तो आइए देखते हैं कैसे डेफिनेट आर्टिकल है, कैसे इनडेफिनेट आर्टिकल है। इसके एग्जांपल्स मैं भी आपको दे रहा हूं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जांपल है, आप देख पाएंगे एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है। जैसे कि मैं अगर लिखूं आई मेट स्पेस टीचर स्पेस टीचर वॉज काइंड एंड इंटेलिजेंट, सो यदि ऑप्शन की बात कर ले ए बी ऑप्शन एन ए सी ऑप्शन द और डी ऑप्शन द ए तो अगर बात की जाए तो इतना तो दिमाग में रखना है कि नाउन जो है टीचर है, यहाँ पे नाउन जो है टीचर है, और इस टीचर से पहले, यानी इस नाउन से पहले हमें आर्टिकल यूज करना है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि किसी नाउन के पहले ही आर्टिकल्स का प्रयोग होता है, तो डेफिनेट आर्टिकल ये है नहीं, इनडेफिनिट आर्टिकल है। इनडेफिनिट आर्टिकल उसे बोलते हैं जो किसी नाउन को निश्चित कर ले। अब यहाँ देखेंगे आई मेट अ टीचर, मैं किसी टीचर से मिला। अब देखिए जब पहली बार किसी से आप मिलते हो तो वह निश्चित नहीं है, उस व्यक्ति से आप अनजान हो। कुछ परिचय हो जाने के बाद यदि कुछ आप नेक्स्ट सेंटेंस में लिखते हैं तो उससे आपका मतलब परिचय हो जाता है, उसके बारे में आप निश्चित वादे कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे ए का प्रयोग होगा, लेकिन फिर यहाँ लिखा है ए टीचर,
अधिकतर लोग तो यहाँ भी ये और यहाँ भी ये लिखेंगे जो कि गलत है। मैं आपको बता दूं ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि दोनों अनिश्चित नहीं हो सकता है। एन का प्रयोग यहाँ करना अपने आप में उचित है ही नहीं, और ए का प्रयोग यूज किया जा सकता है लेकिन यहाँ नहीं होगा। द और द दोनों निश्चित आर्टिकल दिया हुआ है तो यहाँ भी ये दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता है। जो बेस्ट ऑप्शन है वो है डी, ए और द। क्यों होगा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले यह तो अनिश्चित है तो इसके लिए आप लोग ए लगाएंगे, लेकिन यदि यही नाउन निश्चित हो जाता है दूसरी बार में तो इससे पहले हम लोग द लगाएंगे। इसके पीछे एक ही लॉजिक है और वो रूल है। वो रूल क्या कहता है, यदि किसी नाउन की चर्चा अगर फर्स्ट टाइम हो यदि किसी नाउन की चर्चा जानते ही हो यानी उसके बारे में बात फर्स्ट टाइम हो तो उससे पहले ए का प्रयोग होगा या एन का प्रयोग होगा। जैसा एन का प्रयोग हम आपको बताएंगे कहाँ ए करेंगे कहाँ एन करेंगे, बट इतना दिमाग में रखना एन का प्रयोग होगा फर्स्ट टाइम चर्चा होगी तो। उसी नाउन के बारे में यदि दोबारा चर्चा होती है तो वह निश्चित हो जाता है और उससे पहले द का प्रयोग करते हैं। सो कीप इन योर माइंड, इस वजह से सबसे पहले आई मेट अ टीचर, द टीचर वाज काइंड एंड इंटरेस्टेड। सो कीप इन योर माइंड, ये बेहतर रूल है इसको समझने का कि कौन सा डेफिनेट आर्टिकल है और कौन सा इंडेफिनेट आर्टिकल है। आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसा कि आर्टिकल्स का यूज की बात कर लें तो सबसे पहले हम लोग द जो कि डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन जो है इनडेफिनेट आर्टिकल है। सबको पता है ए एन इनडेफिनेट आर्टिकल है। सबसे पहले हम इसका प्रयोग नहीं करके इसका प्रयोग सीखेंगे। तो कहां ए एन का प्रयोग करेंगे आइए देखते हैं। रूल है, सबसे पहले दिमाग में रखना चाहिए ए एन का जो प्रयोग लोग बताते हैं वो बिल्कुल गलत बताते हैं। जैसा कि बताया जाता है ए ई आई ओ यू अगर है तो आप एन लगा दीजिए, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल कंसेप्ट गलत है। इस कंसेप्ट पे आप जाएंगे तो बिल्कुल आप गलत करेंगे। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, जैसे मैं लिख दूं यूरोपियन मैंने लिखा तो इससे पहले यदि आप आर्टिकल का प्रयोग करेंगे और उसमें भी ए और एन ऑप्शन दिया हो तो आप तो जाएंगे सर एन, बिल्कुल जाएंगे एन, क्योंकि आपने ई को देखा है, जैसा कि यहाँ पे है तो ई को देखा है आपने तो एन यूरोपियन आप लगाएंगे और आपको ऐसा लगेगा कि मैंने सही करके आया है जो कि बिल्कुल गलत है सर। क्यों गलत है, क्योंकि जब तक इसके प्रोनंसिएशन पर आप वर्क नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि ये आखिर इसका प्रोनंसिएशन क्या होता है। जैसे अगर इसको लिखेंगे तो यूरोपियन ऐसे लिखा जाता है सर, यूरोपियन। सो कीप इन योर माइंड, हिंदी आनी चाहिए, हिंदी मीडियम वालों को हिंदी आनी चाहिए और यूरोपियन अगर इसके प्रोनंसिएशन पर वर्क करेंगे तो यहाँ देखिए यह हिंदी का कॉन्सोनेंट है और यदि हिंदी का कॉन्सोनेंट यह है तो इसके साथ जो आर्टिकल यूज होगा वो होगा ए न कि एन। ये गलती करते हैं सर, जो हमारे दिमाग में लोगों ने बैठाया है कि ए ई आई ओ यू अगर है तो आप एन लगा दीजिए क्योंकि गलत है। कुछ मामलों में सही है, कुछ मामलों में सही है, जैसे अगर एग की बात कर ले एग तो एन एग होता है, नो डाउट यहां तो चल जाएगा सर क्योंकि इसका प्रोनंसिएशन आप देखेंगे वॉवेल है, चल गया। लेकिन कई जगह ऐसे हैं जहां पे नहीं चलेगा सर। जैसे एक और एग्जांपल आपको दे रहा हूं और ये क्वेश्चन पूछ भी चुका है, देखिए कैसे ई डब्ल्यू ई, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगर इससे पहले अगर हमें लगाना है तो एन ही लगाएंगे जबकि गलत है, इसका प्रोनंसिएशन होता है यू तो यहाँ पे ये सही है ना, ये गलत हो जाता है, ये हम लोगों से गलत हो जाता है। तो आइए हम लोग देखेंगे साउंड, ए एन का प्रयोग साउंड पे डिपेंड करता है। ए देते हैं साउंड क्या होता है, साउंड जो होते हैं वो दो होते हैं सर, दो साउंड ध्वनि जो होती है वो दो ध्वनि निकल सकती है। एक तो सर वो कॉन्सोनेंट ध्वनि निकल सकती है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है सर, और एक होता है सर दूसरा जो होता है वो होता है वोवेल साउंड होता है सर, वोवेल साउंड। यदि किसी वर्ड को अगर हम उच्चारित करेंगे प्रोनंसिएशन करेंगे उसका उच्चारण करेंगे सर तो दो ही निकल सकता है, या तो कॉन्सोनेंट निकलेगा नहीं तो वोवेल निकलेगा। कॉन्सोनेंट क्या है, हिंदी का कॉन्सोनेंट बजाना है सर, हिंदी के कॉन्सोनेंट यदि क से ज्ञ तक है तो आप ए लगाओ, यदि अ से अ तक जाओ तो
आप पहन लगाओ बेटा, खूब आराम से लगाओ, कोई टेंशन नहीं है। कुछ एग्जांपल देखते हैं। अब साउंड देखिए, साउंड पे कुछ सॉल्व कर रहे हैं अभी आपके सामने, कुछ एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं। जैसे सी ए टी, अगर इसका उच्चारण करें तो होगा कैट। तो कैट कहाँ है सर? कंसोनेंट साउंड से है, तो यहाँ पे ए लगा दो। अगर डी ओ जी डॉग है सर, तो आप इससे पहले अगर आर्टिकल ए एन चूज करना चाहते हो तो ए ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ड आया है सर। अब यहाँ दूसरी बार अगर हम देखेंगे, यदि उच्चारण हम करते हैं, जैसे टेबल हम करते हैं, टेबल सर, टेबल, तो ए लगेगा। क्यों? क्योंकि ट आया है और कंसोनेंट साउंड है, तो आप बिल्कुल ए पे जाइए सर, बिल्कुल जाइए। ठीक है, मोबाइल है तो मोबाइल के लिए भी आप लगाइए मोबाइल, तो कंसोनेंट साउंड आएगा, तो आप ए लगा दो सर। लेकिन कुछ एग्जांपल अभी आपको मैं बता रहा हूँ जो अक्सर कंफ्यूज कर देता है, बिल्कुल कंफ्यूज कर देता है। देखिए कैसे, आगे देखते हैं। जैसे साउंड है एग है सर, एग, एग है, ठीक है, तो आप एन जाओगे। एप्पल है, एप्पल है, ए डबल पी एल आई, एप्पल है। तो देखिए ये तो ए आया है, तो एन हमने गया। अब यहाँ एप्पल है, एप्पल, ठीक है, तो आप एप्पल के साथ एन जाओगे, है ना।